असलम दोस्तों, मेरा नाम है अनयूजुअल हैकर। आप लोग मेरी जितनी भी वीडियोस देखते हैं, आप लोग शुरू से देखते आ रहे हैं मेरा चैनल, और आप लोगों ने कभी नोटिस किया ही होगा कि मेरी जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा क्लियर आती है आप लोगों को। तो इसकी आखिर क्या वजह है? आप लोगों ने इस माइक को शुरू से देखा, मेरी हर वीडियो में देखा ऑब्वियसली। अगर आप लोग अपना यूट्यूब का करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए कि शुरू में हमें क्या इक्विपमेंट चाहिए होता है, हमें क्या चीज़ें चाहिए होती, कौन सा कैमरा यूज़ करना है, कौन सा माइक यूज़ करना है, ताकि हमारी वीडियो अच्छी बने, हमारी क्वालिटी अच्छी बने। जब हमारी वीडियो की क्वालिटी अच्छी होगी तभी हमें सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। तो मैं आप लोगों को सारा कुछ इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी कीमत क्या है, ये कौन सा मॉडल है मैं जो यूज़ करता हूँ, और मतलब कि जो भी चीज़ें इस बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। फायदा तब भी होगा जब आप लोग इस वीडियो के एंड तक देखेंगे और इस वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली दफ़ा आए हैं, तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों का फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपने चैनल पर मैं तारीफ़ नहीं करता अपनी, चलो आप लोग वीडियो देख लो, उसके बाद खुद ही डिसाइड कर लेना, ठीक है? तो फिर टाइम वेस्ट की बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि मैंने वाला माइक क्यों ख़रीदा। सिंपल बात है, अपन को बनना था यूट्यूबर, ठीक है? 2017 की बात है, मेरा था यूट्यूब चैनल इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में शुरू किया हुआ था। आप लोगों को पता है यार, जब नया नया शौक चढ़ता है तो बंदा इंग्लिश में रिव्यूज़ बनाता है, तो ये वो सारी हरकतें करता है। उसमें भी मैंने इसकी वीडियो बनाई थी क्योंकि मेरे पास ये होता था। नाउ देयर इज द ब्लू स्नोबॉल बॉक्स, आई एम गोइंग टू अनबॉक्स दिस। So before you can read the description on the box and अभी तक मैं पछताता हूँ वीडियो। मजे की बात ये कि आप लोग इन वीडियोस को अब नहीं देख सकते क्योंकि मैंने उन सबको प्राइवेट कर दिया है। एनीवेज, आप लोगों को पता होगा, जब आप लोगों को दिल करता है ना, अगर आप में से कोई भी यूट्यूब शुरू करेगा ना, तो सबसे पहले आप लोगों ने इंटरनेट खोलना, गूगल खोलना, और आप लोगों ने लिखना हाउ टू बिकम अ यूट्यूबर। भाई ने भी इस तरह किया, मैंने भी इसी तरह सर्च मारी हाउ टू बिकम अ यूट्यूबर, उसमें मुझे इतनी घटिया एडवाइजेस दी लोगों ने। जो भी मैंने वीडियोस देखी थी मुझे याद नहीं, उसमें मेरे पास था कि आपके पास अच्छा कैमरा होना चाहिए, आप लोगों के पास अच्छा माइक होना चाहिए, आप लोगों के पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बकवास लिखी हुई थी, ठीक है? मेरे पास कैमरे के पैसे तो थे ही नहीं क्योंकि वो बहुत महंगे आते हैं। आप लोगों को पता DSLRs बहुत महंगे होते हैं। आप लोगों को पता होगा शुरू शुरू में तो कोई भी नहीं चाहता कि मैं अपनी फेस कैम वीडियो बनाऊँ, मतलब कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम कैमरा के सामने आके बातें कर सकें। तो सीधी सीधी बात है, मैंने कहा फेस कैम वीडियोज नहीं बनाऊंगा, बातें होंगी, मैं वॉइस ओवर करूँगा और स्क्रीन में सिर्फ और सिर्फ मैं प्रोडक्ट दिखाऊंगा जिसके बारे में बोल रहा हूँ। सिंपल इतना सा काम था। तो मैंने उसके लिए मिनते करके मतलब अपने अबू से मतलब कह गया, आखिरकार मैंने इतना महंगा $49 का कैमरा B&H से खरीदा। डिलीवरी इसकी अलग हुई थी मेरी $30 की, इंतहाई महंगा माइक खरीदा मैंने। मैंने पैसे खर्चे, पैसे पूरे भी तो करने, तो मैंने यूट्यूब में वीडियोज बनाना शुरू कर दी, करी मेरा इंग्लिश चैनल बिल्कुल फ्लॉप रहा। फिर उसके बाद मैंने अनयूजुअल हैकर को शुरू किया, मैंने कहा चलो उर्दू शुरू कर लेते, क्योंकि जो इंग्लिश होती है वो थोड़ी मेरी इतनी फास्ट नहीं थी, उर्दू में थोड़ा कंफर्टेबल के बोल लेता था। जिसपे मैंने कम से कम 100 वीडियोस अपलोड की, उसके बाद जाके मेरा चैनल नजरों में आया, लोगों ने उसके बाद सब्सक्राइब करना शुरू किया। तो आप लोग जितनी भी मेरी आवाजें सुनते हैं, बात सुनते हैं, सारी की सारी आप लोग इसी माइक में सुनते हैं। ये मैंने अभी आपको सस्ते वाला वर्जन बताया जो मेरा है। इसमें ना सिर्फ और सिर्फ एक ही माइक लगा होता सामने, तो मतलब आपकी सामने से आवाज कैच करेगा। जो दूसरा वाला आता है वो बहुत ही महंगा, अमेजोन ने मैंने देखा है, अगर आप लोग अमेजोन से खरीदेंगे आप लोगों को ब्रांड न्यू ये वाला जो मेरा वाला वर्जन है वो मिलेगा 5,000 तक का। दूसरा मेरे ख्याल से 7,000 रुपए का। उस दूसरे वर्जन में क्या, उसमें दो माइक लिखे, एक आगे लगा एक पीछे लगा हुआ। वो इसलिए होता है, अगर आप लोगों ने किसी का इंटरव्यू करना है, आप लोगों ने टेबल में माइक रख दिया, आपके सामने से जो बोल रहा है वो बैक वाला माइक उससे कैच करेगा, मतलब इंटरव्यू करने के लिए होता है ना, वो चारों तरफ से आवाज को कैच करता है। तो आप लोगों को ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? डेफिनेटली नहीं। आप लोगों को यूट्यूब शुरू करने के लिए कोई महंगा कैमरा नहीं चाहिए, चुप करके अपना फोन उठाओ, एक छोटा सा ट्राईपॉड स्टैंड ले लो, उस स्टैंड के ऊपर अपना फोन लगाओ, और आप लोगों को एक दूसरा फोन चाहिए, उसके अंदर आप लोगों ने अपनी आवाज रिकॉर्ड करनी है। सिंपल, मैं आप लोगों को उसका तरीका बता दूंगा। और जो सारा खेल है, मेरी आप लोग आवाज क्रिस्टल क्लियर सुनते हैं ना, इसका सारा का सारा कनेक्शन सिर्फ एक चीज से है। कभी आप लोगों ने वॉइस एडिटिंग सुनी है? चलो मुझे पता बीच में से कुछ लोग कह रहे हैं हाँ सुनिए सुनिए, पता मुझे तुम लोग प्रोफेशनल हो, बहुत तुम्हें पता है, लेकिन आप में से मेजोरिटी लोगों को नहीं पता होगा कि वॉइस को भी एडिट किया जाता है, और मैक्सिमम लोग इस चीज को करते नहीं है। और मैंने अक्सर बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा है, वो पता नहीं 25-25, 30-30 हज़ार रुपए का उन्होंने माइक रखा हुआ है, उनकी आवाज फिर भी घटिया तरीन आवाज आती है, उनकी आवाज ही नहीं आती समझ, क्योंकि एक वो गलती करते हैं, माइक खरीद लिया लेकिन उनको वॉइस को एडिट करने का पता ही नहीं। अगर आप लोगों ने भी अपनी आवाज को इस तरह क्रिस्टल क्लियर करना सीखना है ना, उसे वो भी सिर्फ एडिटिंग के थ्रू, आप लोग अपने फोन को अंडर एस्टिमेट ना करें, आपका फोन बहुत क्लियर मेरी जैसी आवाज बना सकता है। अगर आप लोगों को ये एडिटिंग सीखनी है तो मुझे अभी जाके कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को सिखाऊंगा, आप अपनी आवाज को अपने फोन के छोटा सा जो होता है ना, सस्ते फोनों के भी माइक्रोफोन से भी आप लोग अपनी आवाज को फुल
क्लियर बना सकते हैं जिस तरह की मेरी आवाज़ है. अगर आप लोगों को सीखना है तो नीचे सिंपली कमेंट करके मुझे बता दो, ठीक है. तो आप लोगों को पता है मैं आप लोगों का कभी भी बुरा नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता आप लोगों को मतलब कि गलत एडवाइस दूं कि आप लोगों को महंगा कैमरा खरीदना, कुछ भी नहीं. आप लोगों की सबसे बड़ी मसाला अगर आप लोगों को चाहिए ना वो है बीबी की वाइन. उसने क्या छोटा सा मोबाइल पकड़ा, सेल्फी जो कैम होता है सामने वाला कैमरा बैक कैमरे से घटिया, तो उसने उस कैमरे से वीडियोज बना के अपना चैनल चलाया. आप लोगों ने इस वीडियो में रख, तू कौन है? मैं हूँ अनयूजुअल हैकर. ओ तो तू है अनयूजुअल हैकर. तुझे पता है तेरे जाने के बाद ना मैंने ही तेरे चैनल को संभाला है. तेरा जो चैनल यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया ना, तू बैठा वेला इस टाइम है, तेरा चैनल मैं ही संभाल. वैसे मेरा नाम है अनयूजुअल हैकर टू. तेरे से मिलके बहुत अच्छा लगा. हाथ पीछे कर. अच्छा भाई माफ़ी दे दो. वैसे कोलेबोरेशन करने के लिए यार बहुत तेरा शुक्रिया कि तू मेरे चैनल पर आया. 7 लाख सब्सक्राइबर वाला जो बंदा है मेरे चैनल पर. मैं यहाँ कोई कोलैब शोलैब करने नहीं आया, ये मेरी जगह समझा क्या? और ये तो इस माइक के बारे में क्या बोल रहा था, दोबारा बोली ज़रा. भाई मेरी बात सुन, ये जो मैंने माइक पकड़ा है ना इसी की वजह से मेरी जो आवाज़ है वो क्लियर कट जाती है, सबको समझ आती है मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है ना. इसी वजह से मैंने ये देख तेरे बाप ने फ़ोन पकड़ा, इससे दूसरों को सुनाई नहीं दे रहा क्या है? भाई बात तेरी बिल्कुल ठीक है. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो तू चुप ही रहे. देखो दोस्तों हम लोग जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मैं हो गया और जो मैक्सिमम जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं ना सारे जीरो से स्टार्ट करते हैं. सबके पास शुरू से महंगा इक्विपमेंट नहीं होता और मैक्सिमम जितने भी आप लोगों की नज़रों के सामने सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं ज़्यादातर सारे मैक्सिमम गरीब लोग थे, ठीक है ना. किसी के पास महंगे पैसे नहीं होते महंगा माइक खरीदने की, कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते. कुछ लोगों ने तो सिर्फ और सिर्फ सस्ते मोबाइलों के कैमरा से स्टार्ट करके ही अपना यूट्यूब करियर शुरू किया. तो आप लोगों को अपने यूट्यूब के लिए कोई महंगा माइक खरीदने की ज़रूरत नहीं है. एज सून एज अगर आप लोगों का जो कॉन्टेंट है, कंटेंट बकवास बंद, तो जो मेन चीज़ होती है वो होता है कंटेंट. आप लोग मेरा चैनल को ही उठा के देख लें. आप लोगों ने मुझे इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि जो मेरे टॉपिक्स थे, जो मैं आप लोगों को जिस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करता रहा हूँ, आप लोगों को उस चीज़ से लगाव था, आप लोगों को वो चीज़ अच्छी लगी, ना कि मेरी आवाज़ें तो बहुत लोगों की अच्छी होती हैं लेकिन उनका कंटेंट फजूल होता है. तो आप लोगों ने मेन फोकस करना है. इतना भी ना हो कि आपकी आवाज़ बिल्कुल भी ना आ रही हो, बिल्कुल घटिया आवाज़ आ रही हो. आपका जो फ़ोन का माइक होता है जिससे मैं अभी इस वक्त बात कर रहा हूँ, आप लोग इससे आराम से बात कर सकते हैं, अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं. आप लोगों को महंगा माइक या महंगा कैमरा खरीदने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है जब तक आपका कंटेंट अच्छा है. तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपने कंटेंट की तरफ. जब आपका जो कंटेंट होगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को यूट्यूब अपना रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देगा. जब आप लोगों को पैसा आना शुरू हो जाएगा उसके बाद फिर आप लोग चाहे DSLR खरीदें, महंगा कैमरा खरीदें, अपनी ख्वाहिश पूरी करें, आप लोग iPhone X खरीदें, आप लोग जो मर्जी खरीद सकते हैं, ठीक है ना. तो आप लोगों को टेंशन वाली कोई बात नहीं, आप लोग जो मर्जी उसके बाद खरीदें, लेकिन पहले जो आप लोगों को अपना यूट्यूब का करियर स्टार्ट करना है उसके लिए आप लोगों को जो मेन चीज चाहिए वो है आप लोगों का कंटेंट, ना कि माइक्स और कैमरा और इस तरह की जो छोटी मोटी फजूल चीजें होती हैं. तो आप लोग अपने घर बैठ के, चाहे आप लोग गांव में भी रहते हैं, आप लोग वहां से भी अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं. तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है. और ये जो लड़का है ना अनयूजुअल हैकर टू, आप लोग इसको भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दे क्योंकि ये मेरी लेगेसी को लेके आगे कंटिन्यू कर रहा है और मेरे चैनल को ही आगे चला रहा है. जब तक मेरा चैनल वापस नहीं आ जाता तब तक आप लोग इसको सपोर्ट कर सकते हैं. तो फिर मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.